हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम राजमोहन मिश्रा एंड आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री हियर. आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री हियर. आई होप यू आर डूइंग गुड इन दिस पैंडेमिक. आई एम हेल्दी हेल्दी एंड आई विश यू टू आर हेल्दी विथ योर फैमिली. सो दिस इज गुड टाइम टू लर्न. यू डोंट हैव टू डू द होमवर्क दैट जनरली स्कूल गिव्स यू. यू डोंट नीड टू डू मैनी थिंग्स. Even you need not to bother about the playing cricket or football or going to gym. So only thing that you can do is exercising your brain and studying chemistry. Okay, of course you can study other subjects as well, but as I have already told you that chemistry is the most effective scoring. If you want to score high, you just need to give some good quality time to the chemistry subject. That's it. You can score good in any exam, be it board examinations, be it competitive examination, anything, just anything. Okay, and of course it increases your confidence when you score high. So before moving forward, let me introduce myself. So you can see my name here. It's me, Rajmohan Mishra. I am a mechanical engineer by educational qualification, an educator by profession, and a learner by nature. I want you to be learner as well. Okay? So, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पर. मैं केमिस्ट्री पढ़ करके अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन हमें कुछ लाइफ लेसन्स भी लेनी चाहिए, वो भी ज़रूरी हैं. तो लाइक यस्टरडे, मैं आज आपको फिर एक श्लोक सुनाऊंगा, ठीक है? वो क्या है, देखिए. अयं निजं परोवेति, अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्. मतलब क्या है इसका, कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरह से काउंटिंग करने वाले लोग, इस तरह का कंसिडरेशन रखने वाले लोग नैरो माइंडेड होते हैं. ये सब काम किनका है, नैरो माइंडेड लोगों का काम है ये, ठीक है ना, जिनका काफ़ी पेक्यूलियर माइंड हो. लेकिन जो ब्रॉड माइंड के होते हैं, जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उदार चरिता नाम, मतलब ब्रॉड माइंडेड, तू वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है. होल वर्ल्ड इज माई फैमिली. वसुधा मतलब अर्थ, यानी कि होल अर्थ इज माई फैमिली, ठीक है? सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये थर्ड लेक्चर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का. हमने इससे पहले दो लेक्चर कवर किया है, ठीक है? ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है. हमने अभी तक क्या किया है, इसका हम लोग रिकैप कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री देखा. उसके बाद हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स देखा. उसके बाद हमने क्या देखा, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स देखा. इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज हैं भी या नहीं है, है ना. हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे यहाँ पर में कंपाउंड मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर्स का, ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं किसी भी सब्सटेंस के. हमने ये भी देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना आसान है इन कंपैरिजन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. वो यूनिफाइड सिस्टम कहाँ से ओरिजिन हुआ था, फ्रांस से हुआ था, ठीक है? उस सिस्टम को हम लोगों ने क्या कहा था, एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है? अब एसआई यूनिट सिस्टम अगर सीख लिया, और ये बात तो जरूरी नहीं है कि हर जगह एसआई सिस्टम चलता हो, बहुत जगह नहीं भी चलता है. जैसे कि खास करके यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मैं अभी भी इंग्लिश सिस्टम चलता है, वहाँ पर मैं अभी भी वो लोग इंच पाउंड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर अगर कन्वर्जन हम नहीं करते हैं. तो कन्वर्जन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम एसआई यूनिट्स में भी बात करते हैं तो भी कन्वर्जन की बहुत ज़रूरत होती है. अब कई बार हम ये नहीं लिखना चाहते हैं कि 10^-2 मीटर, हम सीधे लिख देना चाहते हैं सेंटीमीटर. समझ में आ रही है बात? हम कभी हो सकता है कि नहीं लिखना चाहेंगे कि 10^-1 मीटर, हम उसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, डेसीमीटर, है ना. तो इस तरह से हम लोग
यूनिट कन्वर्ट करते हैं, इवन इफ वी आर यूजिंग एसआई यूनिट सिस्टम वी नीड टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर, बट द गुड थिंग इज अबाउट द मैट्रिक सिस्टम और एसआई यूनिट सिस्टम इज इट इज ऑल अबाउट द टेंस पावर. सो यू जस्ट नीड टू चेंज द टेंस पावर, दैट्स इट. यू विल बी बॉदर्ड ओनली वेन यू नीड टू कन्वर्ट SI यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम. जैसे हमने एग्जांपल भी देखा था कि एक शेर से अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में, तो 1.25 केजी था, ठीक है. अब केजी को हम लोग शेर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो 0.875 हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते रह सकते हैं, लेकिन SI यूनिट सिस्टम हमें ये फ्रीडम देता है कि हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है. अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट क्या है, तो आपको क्या बताना चाहिए? आपको 70 केजी अगर वेट बता रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो गया, है ना. जैसे कि अगर लेट्स से किसी का वेट है 70 केजी, तो वो क्या बताएगा, उसको क्या बताना चाहिए? वेट अगर पूछा जाए तो क्या बताना चाहिए उसको? उसको बताना चाहिए 700 न्यूटन्स अप्रॉक्सीमेटली, या फिर 9.81 से मल्टीप्लाई करके आप बता दीजिए 70 को, ठीक है ना. अगर आपसे मास पूछा जाए तब 70 केजी बता दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल यूज ऐसा है कि हम लोग वेट अपना हमेशा 70 केजी बताते हैं, ठीक है. टेम्परेचर की भी हमने बात की थी कि टेम्परेचर का इंटरकन्वर्शन भी बहुत ज़रूरी देखा था हमने. हम लोगों का जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए हम टेम्परेचर जो यूज़ करते हैं वो है केल्विन. हमेशा हम लोग वो केल्विन यूज़ करते हैं. आपने ऐसा यूनिट सिस्टम में देखा था कि हमने जब डिफाइन किया था तो केल्विन को ही डिफाइन किया था, लेकिन डिग्री सेल्सियस बहुत ही पॉपुलरली यूज़ होता है ना. डिग्री सेल्सियस तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, हमारा जितना भी ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें जो वेदर के बारे में फोरकास्टिंग करता है वो हमेशा क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है. अगर अब इसमें भी एक लोचा है, वो क्या है कि जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हम फारेनहाइट में करते हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर का भी इंटरकन्वर्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आई होप कि अभी आपको याद आ गया कि हमने अभी तक दो क्लासेस में क्या किया है. आज की क्लास में हम लोग करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं उसके बेसिस पर में, ठीक है. तो 12 लीटर कितना होता है, उसको DMQ में हमें कन्वर्ट करना है. DMQ मतलब डेसीमीटर क्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो डेसीमीटर क्यू में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं है, 1 लीटर इज 1 DMQ, तो 12 लीटर इज 12 DMQ, दैट्स इट. अच्छा, 5 सेंटीमीटर कितना इंच होगा. अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कितना यूज किया था, 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच किया था. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच है, पर क्या एग्जैक्टली 2 इंच है, नहीं, उसे थोड़ा सा कम है. कितना कम है, कितना कम है, तो ये भी हम देख ही लेते हैं. देखिए, 2.54 से आप 5 को डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये 2 से जस्ट कम आएगा. कितना कम आएगा, तो हम यहाँ पर मैं देखते हैं कि ये, मैं देखिए तरीका समझा देता हूँ कि आप ओरली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम जब 2.54 का डबल देखते हैं तो वो क्या होता है, 5.08 होता है, ठीक है. तो डबल में क्या हो गया, 0.08 ज़्यादा हो गया, तो 0.08 जो है वो ज़्यादा है. अब हमको उसको कम करना है, तो क्या करेंगे, उसको हम उससे 8 से आप 2.54 को डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 के लगभग हो जाएगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. यानी कि हम लोग यहाँ पर हमें क्या करते हैं कि 2 से 0.3 थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद फर्दर हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो वो एक्चुअली 2.98 के आसपास आ जाएगा, ठीक है. तो मैं इसको 2.98 ही लिख देता हूँ फर्दर अप्रोक्सीमेशन के बाद, ठीक है. तो 2.98 इंच हो जाता है. अच्छा, ऐसे ही 1273 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लीटर्स में. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है. कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मैं 1273, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है. यही तो फायदा है एसआई सिस्टम का, 20 mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करना है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो हम जानते हैं कि 10 mm बराबर जो होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है. यानी कि 10^-1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे mm में, तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 2 बार mm आया है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 20 × 10^-2 हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसके बाद डेसिमल में आप ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10^-1, ठीक है, समझ में आ गई बात. या 0.2 भी हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. 40 डिग्री सी को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट में. तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 9/5 c + 32.
तो इसका 9/5 कितना हो जाएगा, इस 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 में 32 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो 104 फारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। एलबी, एलबी कितना था अपना, 0.435 केजी था, डबल कर लीजिए तो 0.870 केजी हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई होप कि अब इतना प्रैक्टिस करके आपने कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट अप कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, है कि एक कोई स्केल अगर हम ले लेते हैं, इस स्केल से अगर हम मेजरमेंट करने की कोशिश की तो क्या हम हमेशा एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे क्या? यहां पर मैं चलिए मान लेता हूं कि यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि क्या परफेक्ट अलाइनमेंट हम कर पाएंगे? हमारी आंख जो है उसका भी तो एक लिमिटेशन है ना, एक छोटा सा हाइट, छोटा सा साइज है जिसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे आंख का भी एक लिमिटेशन है, हम इसका परफेक्ट अलाइनमेंट कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है कि हम लोग परफेक्ट मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं। अब जब हम परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तो यहां पर में क्या हो जाएगा मेजरमेंट में, अनसर्टेनिटी। समझ में आ रही है बात? यानी कि हम सर्टेन नहीं है। हम ये बात जरूर बोल सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ये 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मतलब इस तरह से 50, 60 जो भी हो जाएगा। तो हम एक लिमिट तक जो है, ये जितने ये सबसे छोटा वाला जो काउंट है यहां पर में, लेट्स से कि हम ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है और ये सबसे छोटा वाला जो है वो mm है। तो लेट्स से ये मेरा आता है जो कि मैंने कैलकुलेट किया, मैंने मेजर किया एक्चुअली, तो 60.8 सेंटीमीटर आता है। तो अब 8 के बारे में क्या हम सर्टेन हैं? नहीं, हम सर्टेन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये 60.7 भी हो सकता है, 60.5 भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें एरर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये लास्ट नंबर के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, जो लास्ट यूनिट है उसके बारे में। अगर इसमें फर्दर डायगोनल लाइन बनाए हुए होते, आपने देखा भी होगा कई तरह के स्केल होते हैं जहां पर मैं इधर से भी ऐसे ऐसे लाइन मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर हम 2 डेसिमल पॉइंट तक जा सकते हैं, लेट्स से 60.82 तक जा सकते हैं। तो फिर 8 के बारे में हम सर्टेन हो जाएंगे, 2 के बारे में सर्टेन नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो फिर वहां पर में क्या हो जाता है कि ब्यूरेट से जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे तो पानी का जो लेवल होता है वो कुछ इस तरह से ऐसे होता है। अब आपको पता ही नहीं कि आप ये लेवल लें या ये लेवल लें या ये लेवल लें, कुछ समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से एरर होते ही है मेजरमेंट में, परफेक्शन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, हम एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हम मेथड्स यूज कर सकते हैं कि जिसमें कि हम इसका डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, है ना। जैसे आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे, इनसे आप काफ़ी क्लोज वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, पर 100% तो कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएंगे इन मेजरमेंट्स में, ठीक है। तो ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? देखिए, अब ये बड़ा सा नंबर अगर मैं देता हूँ 6022, मतलब इतना बड़ा नंबर है कि आप काउंट करने में ही परेशान हो जाएंगे, और ऐसे अगर मैं ऐसे ऐसे नंबर लिखने लगूँ केमिस्ट्री में तो आप फिर केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें केमिस्ट्री छोड़ना तो नहीं है ना पढ़ने से, तो हम इसको आसान कर लेते हैं, थोड़ा ईजी कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ये जो 23 टाइम्स यहाँ पर मैं आगे ना बढ़ने के बारे बदले हमने क्या किया, 23 सीधा लगा दिया। हमें यहाँ पर से पता है कि 6 के बाद जो है 23 नंबर है, इसलिए 6 के बाद डेसिमल डाला और 23 चिपका दिया यहाँ 10 के पावर में। समझ में आ रही है बात? जैसे ये क्या था, कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया, ये यही तो था। अगर इतना एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्वांटिटी हो किसी भी चीज़ का तो उसको हम मोल बोलते थे, ठीक है ना, यही तो था वो। ओके, एवोगैड्रो नंबर की अगर बात करेंगे तो इतना पर मोल होता था, है ना, एन ए इज इक्वल टू इतना पर मोल। ओके, ये भी आपने कल देखा था, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका क्या यूनिट था? जूल सेकंड था, ठीक है। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको नंबर दोबारा से दिखाना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैंने ये नंबर यहाँ पे यूज़ किया है। तो 6.626। तो अब यहाँ पर मैं, अब हम क्या डेसिमल के बाद 0.00 तो पता ही कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें, 0 34 टाइम्स 0 लिखना, मतलब परेशान हो जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे क्या, है ना, तब हम दिमाग किधर लगाएंगे, हम तो 0 गिनने में ही परेशान हो जाएंगे, और उसमें भी 0 जब गिनना पड़ेगा तो एरर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर दिख रहे होंगे। अब एक एक करके उंगली रख रख के करेंगे तब भी शायद गलती हो जाए, तो इसीलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं, अब थोड़ा सा आसान है कि हमें पता चल गया कि इससे 0 वाले में कन्वर्ट करना कितना ही आसान है, बहुत आसान है, उसमें कोई एरर नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन 0 वाले से इसमें कन्वर्ट करने में एरर हो जाएगा, 1 0 गिनने में अगर मिस हो गया तो। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं होता है। देखिए उसमें क्या करते हैं हम कि डेसिमल के पहले एक नंबर रखते हैं,
ठीक है, और डेसिमल के बाद जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो यूज करते हैं, और इंटू 10 to the power जो भी आता है वो लिख देते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि 73.04 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7.304 को, समझ में आ रहा है, इंटू 10 to the power कितना, एक डेसिमल शिफ्ट किया तो 1, माइनस 1 नहीं है ये 1 है, ठीक है ना, 1, ये कितनी, तो 4.23 × 10^2। कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, 7 के बाद डेसिमल चिपका दे रहे हैं, 4 के बाद डेसिमल चिपका दे रहे हैं, मतलब डेसिमल के पहले बस एक नंबर होना चाहिए, डेसिमल के पहले बस एक नंबर, और वो भी काम का नंबर। अब जैसे कि यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, 4.7 ठीक है, और 10^-2। कुछ समझ में आया नहीं आया, अरे भाई हमने इस काम का नंबर जो है जीरो हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, अननेसेसरी जीरो हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, यही है साइंटिफिक नोटेशन का काम कि अननेसेसरी जीरो नहीं लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बीच में जीरो लिखा हुआ, ये अननेसेसरी नहीं है, ये सेवन का पोजीशन तभी क्लियर होगा ना जब बीच में जीरो होगा, तो ये अननेसेसरी नहीं है, इसलिए हमने लिखा है, ये अननेसेसरी नहीं है, ये अननेसेसरी नहीं है, ये अननेसेसरी नहीं है, लेकिन ये वाला जैसे यहाँ पे हमने देखा ये अननेसेसरी नहीं है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों जो है वो अननेसेसरी है, ठीक है, हमें 4.7 × 10^-2 साइंटिफिक नोटेशन। अब हम लोग राउंडिंग ऑफ, आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से आप करते आ रहे हैं, राउंड ऑफ करना तो सबको आता ही है, पहले से ही आता है, ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग। तो जैसे 7.9567 है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके कैसे लिख सकता हूं कि मैं 7 को उड़ा दूंगा और यहां पर मैं इसको लिख दूंगा 7.957, है ना, यानी क्या क्या, मैंने 7 को उड़ा दिया और उसके पहले वाले नंबर में एक ऐड कर दिया। दूसरा क्या है इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है 8.321, 4 को उड़ा दिया और कुछ लिखा भी नहीं यहां पर मैं, ठीक है, 4 को उड़ा दिया और यहां पे कुछ लिखा भी नहीं। चलिए अब यहां पर मैं देखते हैं क्या होता है, 8.2 लिख दिया हमने इसको राउंड ऑफ करके, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया 8.4। अब ये सब कैसे किया है मैंने, ये आपको आगे जो मैं रूल्स बताऊंगा उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि पहला रूल क्या बोलता है कि डिजिट, अगर ये जो लास्ट वाला डिजिट है जिसको हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जिसको हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो वो डिजिट क्या है, 7, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, 7 अगर 5 से बड़ा है तो क्या हो सकता है, इसको हम कैन बी रिमूव्ड और ड्रॉप्ड बाय इंक्रीजिंग प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग नंबर क्या, उससे पहले वाला नंबर, ठीक है, तो प्रीसीडिंग नंबर क्या था 6, 6 को मैंने कर दिया 7, ठीक है ना, 6 को कर दिया मैंने 7, एक से बढ़ा दिया उसको। यहां पर मैं क्या था कि प्रीसीडिंग नंबर को मैंने नहीं बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया है, क्यों, क्योंकि डिजिट जो था वो 1 से कम था, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। यहां पर मैं कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, वो अनचेंज रहेगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इफ डिजिट इज एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 5 होने पर मैं क्या देखा था कि जब हमने 8.25 यूज किया था तो उसको मैंने 8.2 ही रख लिया था, जब 8.35 यूज किया था तो मैंने उसको 8.4 कर दिया था, तो उसको क्या करते हैं, नियरेस्ट इवन नंबर पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे समझिए, ये जो 2.5 है वो किसके किसके बीच, टू और थ्री के बीच में है, है ना, 2.5, तो नियरेस्ट इवन नंबर कौन सा हो गया, 2, तो हम 2 पर में चिपका देंगे उसको, और अगर 3.5 है तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये किसके किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो नियरेस्ट इवन नंबर कौन सा है, 4, बात समझ में आ रही है, तो हम लोग उसको नियरेस्ट इवन नंबर पे कर देते हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर में इसको 8.2 किया है, इसको 8.4 किया है, समझ में आ गई बात, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, मीनिंगफुल डिजिट जो है उसको हम बात करते हैं, या फिर जो सेंस बनाता है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले मेजरमेंट कर रहे थे, स्केल से कर रहे थे, है ना, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि हम लोग 10.8 लिख रहे थे, ठीक है, तो 10 या 60.8 जो भी लिख रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था कि ये तीनों जो हैं, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ये तीनों के तीनों मीनिंग देते हैं, तीनों के तीनों का मीनिंग है, इसलिए हम तीनों को बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। आगे हम देखते हैं इस रूल्स के बारे में, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड ऑन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस डिवाइस से हम मेजर कर रहे हैं उसका स्मॉलेस्ट डायमेंशन क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन उसका क्या है, इस बात पर में डिपेंड करेगा, आगे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये तीनों बेसिक रूल को हम देखते हैं यहां पर में, ठीक है, दो रूल तो इसी से रिलेटेड है और एक तीसरा इंडिपेंडेंट रूल है, इन तीनों रूल को हम देखते हैं, इससे आपका काम बन जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का, पर मैं आपको ये डिटेल में एक एक छोटा छोटा पॉइंट दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये अगर याद रखना है, समझना है, तो बस तीन रूल समझ लेना है, क्या है कि ऑल नॉन जीरो अलोंग विद द फॉलोइंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मतलब नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, डाउट किस पे है, जीरो पर में है,
डाउट केवल और केवल किस पर में है, जीरो पर में है। तो वो देख लेते हैं हम कि सैंडविच जीरो, सैंडविच का मतलब क्या कि दो नंबर के बीच में, देखिए दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो नंबर है उसको हम सैंडविच जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा जीरो होगा, तो यहां पर में 108 में जो जीरो है उसको हम सैंडविच जीरो बोल सकते हैं, तो ये क्या है, हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल, मतलब ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल होगा उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। वो मैं आगे एग्जाम्पल में दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि जैसे 100 की बात करते हैं तो 100 में क्या डेसिमल कहीं पे दिखा, नहीं दिखा, तो ये ट्रेलिंग जीरोस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन ये कब सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जब यहाँ पे डेसिमल चिपका देंगे, सिंपली डॉट लगा दिया तो भी डेसिमल है, और डॉट के आगे जीरो लगा दिया तो भी सिग्निफिकेंट है, और डॉट के बाद जीरो लगा दिया तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब डॉट नहीं लगाया था तो जीरो जो थे वो सिग्निफिकेंट नहीं थे। समझ में आ गई बात। एग्जैक्ट नंबर हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट जीरोस, मतलब एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि मैं बोलूं कि 200 पेन्स हैं आपके पास, 200 पेन है, तो 200 पेन जो है वो तो एग्जैक्ट नंबर हो गया ना। अब इस एग्जैक्ट नंबर को तो हम 200.0 भी बोल सकते हैं, 200.00 भी बोल सकते हैं, 200.000 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्यूरेसी हर पॉइंट हर डेसिमल पर में करेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो हो सकता है ना, यानी कि इसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट ही नहीं कर पाएंगे, इसमें हमेशा हमें लिख देना है इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि इसमें टू भी थ्री है, टू भी सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं, थ्री भी है, जितना तक हम चाहें ले जा सकते हैं। तो कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और हमारा क्लियर हो जाएगा यहां पर में क्या होता है। देखिए कि कैसे काउंट करते हैं, तो ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो 1, 2, 3 में काउंट कर लीजिए कितना है, एक भी जीरो है क्या, नहीं है, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1, 2, 3 सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए, कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट है फिगर। 0, 1, 2, 3 लिखा, इसमें जीरो होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये सारे क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो हो गया, ये लीडिंग जीरो हो गया। लीडिंग जीरो जो है वो तो हमेशा ही इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। सैंडविच वाला है, काउंट हो जाएगा आपकी बार, तो 4 हो गया, ठीक है ना। ऑल जीरो राइट टू द डेसिमल, तो हमने पहले भी देख लिया था कि ये डेसिमल के राइट में है, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, तो सारे में कितने हैं। बात देखिए यहां पर में, जीरो बिफोर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ देयर इज नॉन जीरो, मतलब बेसिकली सैंडविच टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो ये सैंडविच है ना, हो गया, काम खत्म है, काम खत्म है, इसका कितना 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। पर इसमें होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या सैंडविच है, नहीं है। लीडिंग के बारे में मैंने क्या, तो मैंने रखा ही नहीं था कि ये वाला जीरो हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें केवल कितने हैं, 3 है, ओनली 3। चलिए और देख लेते, ऑल जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट ओनली 2, 3, 0, डेसिमल डाल दिया ना, तो हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। डेसिमल नहीं डालते तो नहीं होता। अब आगे एक जीरो लगा देंगे तो 5 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। चलिए लेस देन 1 के बारे में क्या बात करें, बेसिकली ये लीडिंग जीरो है, तो 0.0 डेसिमल के राइट में है, देखिए यहां पे डेसिमल के राइट में है लेकिन फिर भी नहीं होगा, डेसिमल के राइट में है लेकिन फिर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई काम का नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट, इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। समझ में आ रही है बात। अच्छा, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये रूल तो हमने देखा ही था, तो देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब एग्जैक्ट नंबर है तो इनमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। साइंटिफिक नोटेशन में भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 1.23 × 10⁴, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर लिखता हूं 1.23 × 10⁴, अब कितने हो जाएंगे, अरे अभी भी 3 ही रहेंगे, है ना। सब सारे रूल सेम है, सारे रूल सेम है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या करते हैं, हम बस एक नॉन जीरो डिजिट पहले लिखते हैं, उसके बाद सारा डेसिमल में चिपका देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर का और मतलब हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए 2, 3, 2, 1, 3, 0 के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मैंने जीरो को कहा था इनसिग्निफिकेंट होगा, लेकिन ये कब हो सकता है, अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मीटर है, स्मॉलेस्ट डिवीजन अगर अपना 1 मीटर है, यानी कि यहां पे हम काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा स्मॉलेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें एरर होने के चांस हैं कि 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 to 9 कुछ भी हो सकता है 10 के बीच में, तो लास्ट नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें अगर स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है, 1 मीटर। अब अगर इसी का मैं कर दूं चेंज, ये स्मॉलेस्ट जो है वो 0.1 है, स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन बी मेजर्ड इज 0.1, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं 2, 3, 1, 0.1 लेट्स से, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5, मतलब जितना छोटा डिवीजन हो जाएगा जो कि हम मेजर कर सकते हैं उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, अगर मैं थोड़ा और छोटा यूज कर लूं मेजरमेंट सिस्टम,
तो 0.01 के आसपास अगर मैं यूज, 0.11, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 के 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये सातवां जो आएगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि मिनिमम हम जितना एकदम बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं वो अपना सारा सिग्निफिकेंट होगा, जो बीच में अंडरलाई करता है उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या रूल होता है कि जैसे मान लीजिए 2.37 को हम 1.24 से ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ऐड करके बताइए, मुझे 7.41 हो जाता है और 3.42516 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दोनों में ही 3-3 है, तो ये जो आंसर है वो करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2.3 और 1.24 लिखता हूँ तो इसको ऐड करने पर मैं कितना आ जाएगा, 4.53, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में नहीं बात करते, डेसिमल के बाद में हम बात करते हैं, डेसिमल के बाद में इसमें कितना है, 3 है, केवल डेसिमल के बाद इसमें 3 है। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिख देते हैं 3.5। देखिए 4 था इसीलिए 5 लिखा है, इस यहां पे एरर नहीं करना है कि एक कांसेप्ट सीख रहे हैं तो दूसरा वाला भूल जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा एक और मैं कर लेता हूं, 11.1 2.0, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर मैं 1.31, इसमें कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, कि मैंने लिखा है 13.1, तो इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद तो एक ही नंबर आ रहा है ना, तो इसको और इसमें मिनिमम कितना है, 1 ही है, तो इसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही रूल होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग रूल नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी हम देख सकते हैं। तो यहां पर मैं देखिए क्या होता है, लेट्स से हम लोग यूज करते हैं 1.4 और यहां पर मैं यूज करते हैं 13.2। अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा भैया, देखो बताइए, यहां पर मैं अच्छा डेसिमल में पहले नहीं लिखता हूं, बाद में वो कर लेंगे, कि यहां पर मैं ओहो सॉरी, ओके जो भी है छोड़ो, 13.2 1.4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद आ जाएगा 18.48, ठीक है। अब 18.48 आ गया, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में, कि इसमें देखना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितना था, मिनिमम कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 2 में कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा केवल और केवल 18 बचेगा। समझ में आ रही है बात, केवल और केवल क्या बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। तो 18.4 को हमने ड्रॉप किया ना, तो बड़ी बात कि हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से फाइनल रिजल्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारा नॉर्मली क्या होता है कि साइंटिफिक नोटेशन का अगर केवल बात होता है कि केवल हम साइंट इसमें इसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में अगर हम देखते हैं कि लेट्स से ये लिखा होता 13.2 × 10^2 और यहाँ पर मैं लिखा होता 1.4 × 10^1 लिखा होता, ठीक है। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर मैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पर मैं देखिए यहाँ पर मैं क्या हो जाता कि 10^3 इधर में आ जाता और अपना क्या लिखते हैं हम इसको, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसको अभी भी लिख सकते थे 1.848, तो हमें ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। अब डेसिमल यहाँ पर मैं कितने थे, तो 2 थे डेसिमल, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आ जाएगा। लेकिन क्या है, हम साइंटिफिक नोटेशन में 2 के बाद डेसिमल लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, हम तो 3 के बाद डेसिमल लिखते हैं, 3 के बाद डेसिमल लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और फिर 10^ में एक हम ऐड कर देंगे, 1 और 2 3 तो होगा ही होगा, एक और ऐड हो जाएगा 10^4। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, तब हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की जरूरत नहीं होती है, उसे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि देखिए यहां पर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर था यार, यहां पर मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इंक्रीज कर सकता है साइंटिफिक नोटेशन का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो। लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखना चाहते हैं कि केवल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम कैलकुलेशन या मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये रूल अप्लाई करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 18.48 को हमने राउंड ऑफ करके इसीलिए 18 लिख दिया था। अब है दो टर्म, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, यह हमें समझना पड़ेगा। प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस अमंग द मेजर्ड वैल्यू, और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किससे क्लोजनेस, और प्रिसीजन का मतलब अपने आप में क्लोजनेस। ये एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगी कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये 5 लोग हैं, सॉरी 6 1 7 लोग हैं, ये 7 लोग हैं, तो ये 7 लोग जो हैं ये इन्होंने मेजरमेंट किया है, 3 बार मेजरमेंट किया है, 1 बार 2 बार और 3 बार मेजरमेंट किया, और उन सबका रिजल्ट देखते हैं हम क्या है। अब ये जिस चीज का लेंथ इन्होंने मेजर किया है, लेट्स से
लेंथ मेजर किया है, उसका ट्रू लेंथ जो था वो 7.0 सेंटीमीटर था, और ये सब सारे इन्होंने सेंटीमीटर में मेजर किया है, और सबका अलग अलग आया है मेजरमेंट, ठीक है, अलग अलग टाइम मेजर किया, अलग अलग बार और अलग अलग लोगों ने किया है, तो डिफरेंट वैल्यूज आए हैं और आ सकते हैं, ऐसा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एरर हो जाता है हमसे, ठीक है। तो 7.1 आया है, 6.9 आया है, 6.8 आया है, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम ले लेते हैं एवरेज, इसका हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू के कितना क्लोज है हमें वो देखना होता है, ठीक है। तो इसका अगर एवरेज आप लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 7, और फिर इसमें से कर देंगे तो ये 6.8 और मतलब 6.9 के करीब हो जाएगा, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, उससे ज्यादा होगा थोड़ा, ठीक है। यहां पर मैं अगर हम देखते हैं 7.0 तो ये क्या हो जाएगा, 7.1 के करीब हो जाएगा, बट 7.0 से बड़ा हो जाएगा, तो दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए 7.1 लिख ले रहा हूं, ठीक है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर मैं अलग अलग एवरेज वैल्यूज आ रहे हैं, यहां पर एवरेज वैल्यू जो है वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू के करेक्ट आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। एवरेज वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ रहा है, कहीं और भी है क्या, यहां भी देखिए कि एवरेज वैल्यू जो है बिल्कुल ट्रू वैल्यू के बराबर। डी और एफ ने जो काम किया है उसको हम बोलेंगे कि इन दोनों में काफी एक्यूरेसी है, इन दोनों ने जो मेजरमेंट किया है वो क्या है, इनमें एक्यूरेसी है, इनमें क्या है, एक्यूरेसी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें एक्यूरेसी है क्या नहीं है, इसमें एक्यूरेसी है क्या नहीं है, इन सब में तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है, बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है। अच्छा, प्रिसीजन की बात जब हम करते हैं तो रिपीटेशन ऑफ वैल्यू की बात होती है कि आपस में कितने क्लोज हैं, इनमें आपस में ठीक ठाक क्लोज हैं, इसमें तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो जबरदस्त प्रिसाइज्ड वैल्यू हम बोल सकते हैं कि डी, ये जो है ये प्रिसीजन भी है, इसमें प्रिसीजन भी है, प्रिसीजन इसमें भी है, प्रिसीजन इसमें भी है, क्योंकि देखिए वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, प्रिसीजन इसमें भी है क्योंकि वैल्यू इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। तो डी ई जी जो है ये तीनों ही प्रिसीजन दिखा रहे हैं, डी ई जी जो है ये तीनों ही क्या दिखा रहे हैं, प्रिसीजन दिखा रहे हैं, लेकिन डी और एफ की बात करेंगे तो ये क्या है कि ये दोनों एक्यूरेसी दिखा रहे हैं, ये दोनों एक्यूरेसी दिखा रहे हैं। तो हमारे कैलकुलेशन के लिए या हमारे मेजरमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड करना चाहिए, उस वैल्यू पर में जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए जहां पर में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया उनमें से डी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम बोल सकते हैं बेस्ट है, दैट इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये थी बात हमारी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की, ठीक है ना। तो आई होप कि यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप इस बात को अगर समझ गए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर जेई एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, काफ़ी तो नहीं मिलेंगे, बहुत कम ही मिलेंगे वैसे तो जेई वाले में, ठीक है, लेकिन फिर भी मिल जाएंगे, फिजिक्स में मिल जाएंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई भी एक्स्ट्रा बुक ले सकते हैं, आपके विज सॉल्वर में प्रैक्टिस करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कीजिए और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। अगली क्लास हम लोग जब करेंगे तो उसमें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसमें हम देखेंगे कि क्या फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिस्ट्री हैं और कैसे उस पर में हमारे सारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेस है वो कैसे, फाउंडेशन कैसे हम बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, आप लोग समझ पा रहे हैं और आप लोग आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Very much. Bye-bye.